तो ऑनेस्ट फीडबैक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप कोई चीज़ बना रहे होते हो उसके लिए। क्यों? जब कोई आपको ऑनेस्ट फीडबैक देता है कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ अच्छी है, उससे ही आप इम्प्रूव कर पाते हो, है ना। और ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई होती है। आप ये चीज़ आप पे अप्लाई होती है एज एन इंडिविजुअल, कि अगर आपको कोई बताए कि आप में ये कमियाँ हैं और ये चीज़ गलत है, ये इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो आपको इन द मोमेंट ख़राब लग सकता है कि यार मुझे क्या ऐसे बोल रहा है। पर आपको अगर वो चीज़ सोचने पे मजबूर करेगी कि अगर कोई आपको बता रहा है कि ये चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो ऐसे लोग आपको चाहिए अपनी लाइफ में जो आपको बता सकें कि क्या चीज़ नहीं सही चल रही, क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं, और उसके बाद आप सोच के उसको बेटर कर सकते हो। और ये चीज़ फिर आपके काम पे भी अप्लाई होती है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको बोलता है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे और ये अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो आपको वो इन द मोमेंट ख़राब लग सकता है। पर आप उस पर अगर सोचोगे तो आप सोचोगे कैसे उसको बेटर कर सकते हैं और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और उससे आप और अच्छा कर पाओगे। वैसे ही अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो, तो उसमें भी आप अपने कस्टमर से अगर ऑनेस्ट फीडबैक लेते हो, तो अगर कोई ख़राब फीडबैक देता है तो वो इन द मोमेंट फिर से आपको ख़राब लगेगा, पर उससे ही आप इम्प्रूव कर पाओगे प्रोडक्ट को। और जब आप इम्प्रूव करोगे प्रोडक्ट को तो आप और ज़्यादा सेल कर पाओगे और ज़्यादा बेटर ग्रो कर पाओगे। तो इसलिए सारे एस्पेक्ट लाइफ में आपको फीडबैक पे डिपेंड करते हैं कि लोग को कैसा लग रहा है जो भी आप कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल एट वर्क और कहीं पर भी। तो हमेशा कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्ट फीडबैक लेने की और उसके ऊपर सोचने की। उसको उसको जजमेंट की तरह नहीं लेना है, उसको बस एक हेल्प की तरह लेना है कि वो चाह रहे हैं कि आप बेटर करो और उसके ऊपर इम्प्रूव करो। तो उसको ऐसे लेना है और फिर बेटर करके दिखाना है।